जब भी मस्ती तन मन पे छाती है, एक अजब सी मस्ती तन मन पे छाती है, हर एक जुबा तेरे ओ मैया गीत गाती है। जय माता दी। दोस्तों, शक्ति और भक्ति का महापर्व नवरात्रि इस समय पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के समय माता के मंदिरों और पांडालों में मां के जागरण, चौकियां तथा गरबा की धूम मची हुई है। इसी शुभ अवसर पर हम आपको लेकर आए हैं माता रानी के अद्भुत दर्शन कराने के लिए 10वीं शताब्दी का बना हुआ प्राचीन और रियासतकालीन मंदिर डार देवी माता जी मंदिर पर। कोटा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर डीसीएम उम्मेदगंज मार्ग पर यह मंदिर स्थित है। केथुन के तंवर राजपूत शासकों के द्वारा इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया था और बताया जाता है कि यह उनकी कुल देवी भी कहलाती है। शेर पर सवार माता रानी की डाढ़ बाहर निकली होने के कारण इनको डाढ़ देवी माता जी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देव स्थान विभाग के अधीन आता है। कोटा के पूर्व राजा महाराजा और उनके वंशज भी यहाँ माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। यहाँ पर चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रों के समय पूरे 9 दिन तक भव्य मेला भी आयोजित किया जाता है। इस मंदिर के पास ही बाबा काल भैरव का मंदिर भी बना हुआ है। दोस्तों, पहले के समय में यह मंदिर घने जंगल से घिरा हुआ था। यहाँ पर अनेक खूंखार जानवर, शेर, चीते, भालू आदि देखे जा सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर श्रद्धालु कम आते थे, परंतु देवस्थान विभाग के अथक प्रयास से यहाँ पर अब अच्छे आवागमन के साधन हो गए हैं। रोड की सुविधा हो गई है, इस वजह से अब श्रद्धालु आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में नवरात्रि के अलावा सामान्य दिनों में रविवार के दिन काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता जी के दर्शनों के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और यहाँ पर एक चमत्कारी कुंड भी बना हुआ है, जिसके जल को पीने और अपने शरीर पर लगाने मात्र से रोग कष्ट मिट जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने माता रानी के अद्भुत दर्शन किए हों तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर किसी नए वीडियो पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।